मैहर को जिला घोषित किए जाने के बाद अब सतना को संभाग बनाए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दुबे को शहर के जगतदेव तालाब में जल समाधि लेने के पहले ही सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए जगतदेव तालाब की सीढ़ियों पर जैसे ही वे पहुंचते, पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें दबोच लिया। इस दौरान पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश में झड़प भी हुई, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और पुलिसकर्मियों ने राजेश दुबे को पकड़कर पुलिस वाहन में बिठा लिया। उन्हें पहले सिटी कोतवाली ले जाया गया और फिर एक अन्य स्थान पर काफी देर तक बैठाए रखने के बाद देर शाम रिहा कर दिया। राजेश दुबे ने बताया कि सतना को संभाग बनाए जाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। अब मैहर को भी जिला बना दिया गया, तब सतना को संभाग का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। इस मांग के संबंध में पूर्व में ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल समाधि लेने की चेतावनी उन्होंने दी थी। आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव आयोग के नियमानुसार अनुमति भी प्राप्त की गई थी, पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार कर लिया। राजेश ने कहा कि पुलिस के सहारे दमन चक्र चलाकर हमारी मांग को कुचला नहीं जा सकता। आचार संहिता लग जाने के बाद चुनाव आयोग के नियम अनुसार अनुमति प्राप्त कर ली गई, लेकिन पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सतना को संभाग बनाने की मांग को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट राजीव खरे भी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकार तक पत्राचार किया और तमाम नेताओं को ज्ञापन भी सौंपे हैं।